हाय गाइस, दिस इज जियान। यू आर वाचिंग वर्क एट आवर जॉब हेल्पफुल। गाइस, मैं हाजिर हूं आप लोगों के लिए एक और अच्छी जॉब्स के साथ में। तो गाइस, उम्मीद करूंगा कि आप भी वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, पूरा देखेंगे। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलेगी आपको, अच्छा खासा इंसेंटिव और अच्छा खासा पैकेज देखने को मिलेगा आज के ये जॉब में। और आज की जो बहुत ही अलग और बहुत ही हटके होने वाली है, क्योंकि ये जो जॉब जो रहेगी वो आउट ऑफ बेंगलोर रहेगी। काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि सर, आप जितनी भी जॉब लेके आते हैं वो सारी की सारी जो है बेंगलोर लोकेशन के लिए रहती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों के पास चेन्नई लोकेशन के लिए भी जॉब चल रही है, होटल में, रेस्टोरेंट में। इसके अलावा हम लोगों का जो तमिलनाडु के लिए भी जॉब चल रही है, इसके अलावा बेंगलोर में तो जो चल ही रही है। इसके साथ में आपका ये आज का जॉब होने वाला है वो मुंबई लोकेशन के लिए होने वाला है। इसमें एज लिमिट जो है मायने नहीं रखती है, आप चाहे 40 साल के हैं तो भी चलेगा। इसमें मैंने 40 बोले तो मैक्सिमम बता दी है आपको, मिनिमम आप चाहे 18 के हैं, 19 के हैं या 20 के हैं, दैट डजंट मैटर। इसमें कोई वो मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है इस चीज जॉब में कि एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, खाना बनाने का नॉलेज होना चाहिए। आप कहीं पे कैंटीन में काम कर चुके हैं या फिर आप कहीं पे होटल में काम कर चुके हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसमें रहेगी स्टार्टिंग 17,000 से लगाकर 20,000 तक सैलरी देखने को मिलेगी। इसमें 17,000 से 20,000 सैलरी जो है ना, 17,000 से 20,000 सैलरी कम नहीं है मेरे भाई, बहुत अच्छी सैलरी है। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैसिलिटी में आपको खाना भी फ्री मिलेगा होटल की तरफ से, रूम भी फ्री मिलेगा होटल की तरफ से। अब होटल के नाम से जो है काफी सारे मेरे हिसाब से कमेंट्स ऐसे भी करेंगे कि सर 5 स्टार या 3 स्टार होटल है क्या। देखो गाइस, एक बात क्लियर कर देता हूँ कि 5 स्टार और 3 स्टार होटल जो रहती है ना, वहां पे जो है आपको इंटरव्यू पास होने की जरूरत रहती है, वहां पे जो है साफ सुथरे की ज्यादा जो है जरूरत रहती है। कहने का मतलब है कि साफ सुथरा तो हर जगह रहता ही है, लेकिन बड़ी होटलों में क्या रहता है कि वैकेंसीज जो रहती है वो लिमिटेड पोस्ट में रहती है। प्लस दूसरा कि जो बड़ी होटलों में जो वैकेंसीज रहती है वहां पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही टफ होता है, बहुत ही टफ रहता है। लेकिन ये जो छोटी छोटी होटल्स रहती है उनमें जो क्या रहता है कि अपने घर फैमिली के हिसाब से रहता है, पारिवारिक रहता है, वहां पे एक परिवार देखने को मिलता है, वहां पे सैलरी भी अच्छी खासी टाइम पे मिलती है वहां पे। तो यही सब फर्क रहता है बड़े होटलों में छोटी होटलों में। अब छोटी होटल बड़ी होटल 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 होती है, आप अच्छे से काम करेंगे आपका सैलरी टाइम पे आना चाहिए, वो मेन चीज होती है। आप 5 स्टार 3 स्टार में होटल में काम करते हैं और वहां पे आपकी सैलरी 1 तारीख को बोल के 10 तारीख दिया जाता है या फिर 2-2 महीने सैलरी भी नहीं दी जाती है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने जो मतलब छोटी छोटी होटल्स रहती है ना उनमें अच्छा बेनिफिट और उनमें अच्छी सैलरी रहती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो है बड़ी होटल में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती या छोटे होटल में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, लेकिन एक्चुअल में काफी जगह ऐसा देखने को मिलता है। तो गाइस, रिक्वायरमेंट अभी प्रेजेंट टाइम में इसमें जो है 10-15 कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है, 10-15 रसोइयों की जरूरत है, 10-15 लोग खाना बनाने वाले की जरूरत है मुंबई लोकेशन में। तो पूरा एड्रेस आप मुझे फोन करेंगे, आप हमारे ऑफिस में फोन करेंगे दिए हुए नंबर पे, तो आपको पूरा डिटेल्स और अच्छे से समझा दी जाएगी, कौन सा लोकेशन रहेगा, कौन सा जो है एग्जैक्ट आपका टाइमिंग वगैरह रहेगा। इसके अलावा आने से पहले आपका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू रहेगा, टेलीफोन से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, क्या क्या एक्सपीरियंस आपको, क्या क्या बनाना आता है, पहले कहाँ काम किया, आपकी एज क्या है, एक्स वाई जेड सब कुछ इसमें टेलीफोनिक इंटरव्यू में पूछा जाएगा। आफ्टर देन आपका ज्वाइनिंग रहेगा, हैंड टू हैंड ज्वाइनिंग होता है। इसके अलावा अभी हमारी कंपनी ने 2 चीजें मेन जो है कर दी है। पहली चीज ये है कि कैंडिडेट्स को फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज कंपल्सरी लगवाना हुआ होना चाहिए। वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज दोनों डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उसके पास कंपल्सरी होना चाहिए। इसके अलावा मास्क कंपल्सरी उसके पास होना चाहिए। इसके अलावा उसके साथ में सैनिटाइजर कंपल्सरी होना चाहिए।
तो ये तीन दो से तीन चीज आज जो है हमारी कंपनी ने कंपलसरी कर दी है। तो गाइस बहुत ही अच्छी जॉब थी आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छी हेल्पफुल जॉब है ये आप लोगों के लिए। जो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, जिसको खाना बनाने का नॉलेज है, वही बंदा हम लोगों को कॉल करें इस जॉब के लिए। हेल्पर में हम लोगों के पास, मैंने जैसे पहले बताया आपको वीडियो के स्टार्ट में, कि हम लोगों के पास जो है चेन्नई लोकेशन की में भी है, हम लोगों के पास बेंगलोर लोकेशन में भी है, हम लोगों के पास जो है तमिलनाडु लोकेशन में भी होटल में जॉब चल रही है, जिसमें रूम और खाना पीना फ्री रहता है, जिसकी सैलरी 10,000, 11,000, 12,000 डिपेंड ऑन आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर आपको कटिंग शटिंग आता है, अगर आपको जो है वहाँ पे हेल्पर का काम आता है, तो अच्छी खासी सैलरी प्लस खाना रूम वगैरह सब कुछ फ्री देखने को मिलता है। इसके साथ में बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि हर जॉब हमारी तरफ से फ्री रहती है। हम हर बार यही चीज बोलते हैं कि आप लोगों के लिए हम लोग फ्री जॉब लेके आते हैं, फ्री लोग लेके आ रहे थे, फ्री जॉब लेके आते रहेंगे। यहाँ पे जो है ज्वाइनिंग फॉर्म के नाम पे लूटा नहीं जाता, यहाँ पे ज्वाइनिंग फीस के नाम पे आपसे कुछ चार्ज नहीं लिया जाता है। आप और भी वीडियो और भी जो है यूट्यूब में जो है बहुत सारे ऐसे वीडियोस, ऐसी कंपनियां, ऐसी एजेंसियां देखते होंगे जो पता नहीं क्या क्या बोल के जो है आपको लूटने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। फर्क कितना रहता है उनमें हमारे बीच में, कि हमारे पास ज्यादा टाइम तक वो जॉब नहीं चलती है। इसका बड़ा रीजन एक ये रहता है कि आप लोगों का सपोर्ट इतना मिलता है कि हम लोगों के पास जॉब जो रहता है 3 से 4 दिन, लास्ट लास्ट एक हफ्ता चलती है, उससे ज्यादा नहीं चलती है। अच्छा सपोर्ट होता है आप लोगों का, आप लोग आते हैं ज्वाइन हो जाते हैं। अदर वैकेंसी अदर एजेंसी में क्या रहता है कि उनके पास जॉब रहती है, वो सीधा यही बोलेंगे कि ऑफिस आ जाओ, आपके लिए हमारे पास एनी टाइम जॉब मिलेगी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ आज वीडियो बनाया तो इसका जो है एक हफ्ता लास्ट रहेगा, वो भी मैं लास्ट बता रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं चलता है, फुल हो जाता है बहुत ही जल्दी। लेकिन आपको दूसरा काम मिल सकता है, ये जॉब नहीं तो दूसरी जॉब, दूसरी तीसरी जॉब, बोले तो आपको कोई ना कोई जॉब रेडी मिलेगी ही मिलेगी, अदर के लोकेशन और अदर कैटेगरी में। तो गाइस मैं उम्मीद करूंगा और आपसे आशा करूंगा कि ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करेंगे आप लोग। बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्पफुल जॉब है ये आप लोगों के लिए। तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।